इंडिया में जो भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है आप वो देखने जा रहे हैं यहाँ से? अरे कहाँ, इतना महंगा कद्दू जाएंगे देखने भाई, होटल वगैरह देखे कितने महंगे। अभी एक पोस्ट चली थी सामने और ये ऑफिशियल न्यूज है, इंडिया में जो अहमदाबाद में जो होटल जहाँ पे ये मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ की जो होटल की प्राइस है ना बिफोर यानी अभी उसकी प्राइस है 7,000 और आफ्टर उस होटल की प्राइस होगी एक दिन की तकरीबन 75,000। तो यहाँ के तो तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो गए, 2 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए तकरीबन। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं आना चाहिए कि दोनों में से किसी एक को नहाना पड़ जाए। हाँ गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है। और कहता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या कि मैं ऊपर ऊपर से करूंगा? हाँ क्या? कि मैं ऊपर ऊपर से तुम्हारी तारीफ करूंगा, सफाई ऊपर ऊपर से करूंगा, अंदर से दिल में मेरे खोट है। जूट्स भाई एक बात बताइए, क्या ये बात सच है, आप इस बात को मानते हैं कि प्यार जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लिप्स से शुरू होता है और वर्टिकल लिप्स पे खत्म होता है? इसका तो पता नहीं है कि सीटी बजा दे रहे हो यू। हां यू बैल तू इशारा कर दे लड़की के, हां मैं आ मेरी कमजोरी के पीछे मेरा अपना ही हाथ है। हां अच्छा अच्छा, आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि मेरा मुजरिम तुम्हारी अदालत में पेश होना चाहता है, फेसबुक की लड़की और वॉशरूम की चप्पल कभी किसी एक की नहीं होती? हाँ। कोई भी पहन के अंदर चला जाता है, हाँ? होता है भाई। अच्छा कोई मेहमान घर पे आए ना, आप सोफे पे यूं बैठ के बातें करो आराम से, और भाई कैसे हो? अच्छा मेहमान चला गया अचानक, अब आपने यूं बोला जिप खुली हुई थी? हाँ और मेहमान ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि मैं नहीं बताऊं। मेहमान एंजॉय कर रहा है। आप देखो यार, हम पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है। वाह वाह। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक है? और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक। और जाना कहाँ है मंडी? धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते, दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। अस्सलाम वालेकुम बरकत उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई। और ये देखिए ये सलाम अचानक करा, इसकी एक वजह है। अच्छा क्यों? क्योंकि भाई हमारा टेम्पो डाउन हो जाता है अगर हम थका हुआ सलाम करते ना, अस्सलाम वालेकुम, ये टेम्पो डाउन हो गया, टेम्पो डाउन। लेकिन आज के हमारे जो शो का टेम्पो है वो डाउन नहीं होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान है वो एक बहुत बड़े रोस्टर है। हाँ गीबतों के चैंपियन। अच्छा ये गीबत नहीं, मेरा ख्याल है गीबत तो वो होती है ना जो आप पीठ पीछे कर रही है, तो सबके सामने कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी दुनिया देख रही है ना। हाँ वाह वाह वाह, ये थोड़ी ना। अच्छा देखिए अभी आपने मुझे, ये तो आप खुले आम पंगा ले रहे हो। खुले आम पंगा ले रहे हैं और खुले आम पंगा हम उनसे लेंगे आज, वो हमसे लेंगे, ठीक है। आपकी भरपूर तालियों में हम सबके फेवरेट डॉग्स लाइफ। सबसे पहले भाई ये कहना चाहूंगा कि बरकत भाई उसी भाई बहुत बड़े फैन हैं आप। सेम यार, सेम यार, सेम यार भाई। मैं आप जिस तरह रोस्टिंग करते हैं और बीच में आप बीप भी नहीं लगाते। हाँ नहीं, ये सबसे बड़ी आपके काबिले तारीफ हैं आप। और टेम्पो टोन, मैंने पहले ही कहा ना कि टेम्पो टोन के तो आजकल की जनरेशन टोन टेम्पो बोलो टक 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 टक। और लोग कमरे में खेलते हैं, ये कमरे से खेलते हैं, कभी ये सोफे पे और कभी सोफे पे, कभी छत पे। अरे भाई ये कैरेक्टर किलर है, इसको लोग सुपारियां देते हैं कि यार हसन चबा के वापस कर, हसन डूक्स लाइफ इस बंदे से मेरी 36 का आंकड़ा है, इसको रोस्ट करो। ओए, 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 ओए। ऐसी सुपारियां आती हैं आपको? हाँ आती हैं अक्सर टिकटॉकर्स के लिए आती हैं सबसे ज्यादा टिकटॉकर। ये तो यार ये सिर्फ सुपारियां आती हैं या कुछ चिंगम वगैरह भी आती है? नहीं बस सुपारियां आती हैं। नहीं मतलब कोई ऑफर आती है पैसे के लिए लेना? पैसे के लिए वैसे आते हैं कभी कभार, इसको रोस्ट करना है, लेकिन वो जाहिर सी बात है उसको रोस्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस होता है, जो चल रहा होता है, जो चल रहा होता है, जिसे पब्लिक जानती है उसी को रोस्ट करेंगे। इन्होंने पिल्ले को रोस्ट किया, इन्होंने पिल्ले को सबसे पहले मेरे ख्याल में आपने रोस्ट किया। मैंने किया भाई इन्होंने। और मैं खुद इतना बड़ा फैन हो गया जब आपने जो लपेटा है उसको। अरे नहीं वो बेचारा इतना रोस्ट हो गया, तिक्का बन गया। हाँ, तिक्का बन गया। और आखिरी तिक्का नहीं होता, वो इंगीठी पे रखा होता कोने में जो कोई खरीदता ही नहीं है। और पिल्ले से आपकी लड़ाई भी हुई थी भाई? लड़ाई नहीं हुई थी, बस उसने ऐसी फोन करके आपको धमकी दी थी पिल्ले ने। इसको फोन करके धमकी दी पिल्ले ने? पिल्ले ने जो आपके सामने बैठा होगा तो क्या बोल रहा होगा? उसने तो मुझे खुद इजाजत दी थी। अच्छा आपके दिल के इनबॉक्स में कितना हुसन कैद है? हाँ ये पहला यहाँ हाँ। शुरू कर, क्योंकि फैन फॉलोइंग है आपकी और आप झूठ मत बोले क्योंकि आप सच बोलते हैं, आपके बारे में हमने सुना है। समझे नहीं, छाड़ेबाजी का सवाल है? है? नहीं नहीं है छाड़ेबाजी का सवाल, लेकिन तरीके से। हाँ तरीके से, तरीके से कपड़े में लपेट। आप यानी कि गंदी बातें करनी अच्छी तरीके से। हाँ अच्छे तरीके से ताकि पता भी नहीं चले आप। तो आपके इनबॉक्स में कितना हुसन कैद है? कितने दिल के इनबॉक्स में कितना हुसन कैद है? बच्चियां कितनी है सवाल है? बच्चियां कितनी है? बच्चियां नहीं, सारी बड़ी आंटी शरीफ आंटी है। अच्छा मैंने कुछ लड़कियों को देखा इनबॉक्स में आने से ऐसे डरती हैं जैसे हम अंदर से कुंडी लगा लेंगे। अभी आते ये क्या चक्कर है? हाँ ये कुंडी के बारे में कुछ बताएं भाई। और बरकत भाई, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या
कि मैं ऊपर ऊपर से करूंगा क्या? मैं ऊपर ऊपर से तुम्हारी तारीफ करूंगा, सफाई ऊपर ऊपर से करूंगा, अंदर से दिल में मेरे खोट है, ऊपर ऊपर से तुम्हारी बुराई करूंगा लेकिन दिल मेरा साफ है। ना बड़ा झूठ है यार, लोग ये बोलते हैं। ये तो उसी टाइम पता चलता है ना जाके कब कितना ऊपर ऊपर, ये तो जब बंदा आपके सामने हो। लेकिन आपने जिस तरह ऊपर ऊपर से किया है ना ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम सबके ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से जाएगा। नहीं देखिए, मेरी बात करना चाहता हूँ, बात मोहब्बत की हो रही, तो मैं डिसेंट वे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा आप लोगों का लेवल जरा डिफरेंट है, तो मैं एक डिसेंट वे में बात करना चाहूंगा। देखिए मोहब्बत मेरी नजर में क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बॉस, मोहब्बत आपको मेरे हम बात कर रहे हैं, इन दोनों को इग्नोर करें। मेरी नजर में मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी डिसेंट वे। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं आना चाहिए कि दोनों में से किसी एक को नहाना पड़ जाए। गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है, बीच में हवा का गुजर जरूर होना चाहिए ताकि वो चिपचिप ना हो। अच्छा डूड्स भाई एक बात बताइए, क्या ये बात सच है, आप इस बात को मानते हैं कि प्यार जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लिप्स से शुरू होता है और वर्टिकल लिप्स पे खत्म होता है? इसका तो मतलब ये कि सीटी बजा दे ना, यो हो यो इशारा करते हैं लड़की कहती हाँ मैं आ रही हूँ। वाह 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 वाह। नहीं लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा मेरा तो हाथ से शुरू होता है रात पे खत्म। अच्छा नहीं मैं समझा, आप अपनी सेहत के साथ, आपकी सेहत देख के लग रहा है आपने हाथ का इस्तेमाल बहुत किया। मैंने लिखने पे बहुत, ये मेरी तरह है, मेरी कमजोरी के पीछे मेरा अपना ही हाथ है। मगर ये तो आगे, अच्छा क्योंकि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका अपना हाथ है, डाइट अच्छी है इनकी, डाइट अच्छी, डाइट अच्छी है, लेकिन इनका हाथ भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा डूड भाई आप इस बात को मानते हैं कि औरत का झुक जाना रिश्ते को मजबूत और मर्द को कमजोर बना देता है? झुकना बहुत जरूरी है। हाँ नहीं बस दोनों में से एक को तो झुकना चाहिए। अगर पुरानी मिसाल है ना, कहते हैं कि औरत की आंख में आंसू आए और मर्द गया। हाँ है ना भाई, देखिए दो पावर है, हस्बैंड भी पावर है, बीवी भी पावर है। हाँ। तो एक को झुकना पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है। अगर दोनों प्लस हो गए तो धमाका हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। हाँ। तो झुक के रहना है, माफी मांगनी है अगर कोई गलती कर बैठे। हाँ। और झुकता वही है जो फलदार हो। अरे डूड भाई मुझे एक बात बताइए, ये जो एक तरफा प्यार होता है इसका मुंह किस तरफ होता है? आप ज्यादातर जब डेट वेट पे जाते हैं तो आपका मुंह किस तरफ होता है? हाँ। और उनका किस तरफ होता है? हाँ। जासूसी की तरह मिलते हैं, तुम यूं बैठ जा रहे हो, यूं बातें कर रहे हो। हाँ। हाँ भाई कैसी हो, किताब के पन्ने खोले में ताकि किसी को पता ना चले। हाँ। आपका मुंह किस तरफ होता है? स्टडी कर रहे हैं। हाँ। इसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, क्योंकि कभी गया नहीं हूं। अच्छा अच्छा, आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि मेरा मुजरिम तुम्हारी अदालत में पेश होना चाहता है? ऐसा कुछ कौन सा मुजरिम मेरा भाई, कौन से मैं भाई, आप बुला रहे हैं, मैं दूल्हा बनके शेरवानी पहन के आपकी जिंदगी में आना चाहता हूँ और शेरवानी वहाँ छोड़ के वापस जाना चाहता हूँ। यार मैं सोच रहा हूँ यार, कितना तुम्हारा जहन कहाँ जा रहा है यार, हम लोग इतने हमारी हर साफ बात को ये पत्नी कहाँ ले जा रहा है यार? वो भाई वो दूसरे शो होंगे जो इस तरह की बातें होती होंगी। हाँ यहाँ वो नहीं है, मेरे सवाल जो है ना ये कौमी असेंबली में पेश किए जा रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि मोहब्बत मिस करने से नहीं किस करने से बढ़ती है? किसको? मिस को नहीं, जिसको आप मिस कर रहे हो, जिसको आप मिस कर, क्या हो गया यार? जिसको आप मिस कर रहे हो। बात का लुबेलुबाब ये है कि आपकी शादी का क्या इरादा है, कि मोहब्बत मंगनी कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे? बहुत टाइम है, वो पहुंच गई हो, आप नहीं पहुंचे हो? नहीं अभी बहुत टाइम है। आर यू इन रिलेशनशिप? मोहब्बत हुई नहीं है अभी, अगर आपके पास कोई लिस्ट वगैरह है लड़की की, तो लिस्ट वगैरह हमारे डिफेंस में बंगला नहीं हो गया। अगर ये काम किया होता तो हम लोग इस वक्त थाईलैंड में नहीं होते, थाईलैंड में टैक्सी चला रहे होते, बूम बूम करते फिर रहे होते, अगर ये काम होते तो। अच्छा डूड एक सवाल है, फर्ज करो अगर तुम्हारी शादी हो जाए और शादी के रात तुम अपनी दुल्हन से कहो सुनो कुंडी लगा दो और वो बाहर से लगा कर भाग जाए, फिर वही जो पहले करते हुए आ रहे थे क्या? क्या बताएं? मतलब पैकेज इस्तेमाल, दोस्त से बात कर। अच्छा अच्छा वीडियो कॉल करो, ऑडियो आपको क्या लगा? अरे मुझे लगा कि वो डिसेंट शो है ना, सेहत के हिसाब से अंदाजा कर रहे हो ना कि पहले क्या कर रहे थे। पहले क्या करते यार, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इंडिया में भी बड़ी व्यूअरशिप है इनकी। अरे नहीं नहीं हर जगह, और इन्होंने मुझसे ये बात शेयर की माशाल्लाह कि इंडिया में जो भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है आप वो देखने जा रहे हैं यहाँ से। अरे कहाँ, इतना महंगा कद्दू जाएंगे देखने भाई। देखे कितने महंगे। हाँ यार वो अभी एक पोस्ट चली थी सामने और ये ऑफिशियल न्यूज है, इंडिया में जो अहमदाबाद में जो होटल जहाँ पे ये मैच होना है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ की जो होटल की प्राइस है ना बिफोर यानी अभी उसकी प्राइस है 7,000, और आफ्टर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दरमियान उस होटल की प्राइस होगी एक दिन की तकरीबन 75,000। तो यहाँ के तो तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो गए, 2,00,000 रुपए हो गए, 3,00,000 रुपए तकरीबन, 3,00,000 एक दिन का रेंट। उफ अभी हम बात पूछे, और उसके बाद है ना खाएगा क्या, और किसी बहाने तो लेगा लेकिन खाएगा क्या, किसी बहाने तो उन्होंने वीजे खोले, मतलब ये है कि ये। हाँ लेकिन ये ऐसे भी खुलने चाहिए, ऐसे भी खुलने चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर हैं जो वहाँ नहीं जा पाते। अभी मेरी सगी, मतलब समझे नानी, मेरी अम्मी की सगी खाला, वो इंडिया में अलीगढ़ में उनका इंतकाल हुआ और उनके बेटे यहाँ पर रहते हैं मेरे मामू, और वो अपनी माँ के जनाजे में नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें वीजा नहीं मिला।
लेकिन मैच होगा तो जा सकते हैं आप, है ना? लेकिन मैं देखो ना यार, मैच के लिए अरे वीजा तो वैसे भी ये वीजा खोलना चाहिए वैसे भी लोगों में आपस में मोहब्बत बढ़े प्यार बढ़े। और मेरी तो वालदा जूनागढ़ इंडिया की है सारी, मेरी अम्मी की, यार मेरे वाले साहब इंडिया के थे, जूनागढ़ इंडिया जूनागढ़, मेरी अम्मी तरसती है जाने को यार, मुजफ्फरनगर यूपी से हम लोगों का ताल्लुक है, आना जाना होना चाहिए। कितने लोग रिश्तेदार वहाँ और वहाँ के रिश्तेदार यहाँ है यार, वहाँ के रिश्तेदार, ऐसा तो खुद रिश्तेदार जाओ मिलकर आ जाओ, पता नहीं। हम तो हमारी तो यही दुआ है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुक अच्छे हो जाए, वो हमारे यहाँ आए हम उनके यहाँ जाए। और अभी मैच में जो क्या, अभी मैच में तो जाना है, लेकिन इंशाल्लाह मैच में जाना है, बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है। जो बिकेगा ना इंडिया पाकिस्तान, ये बिकेगा सिर्फ इस वजह से विराट कोहली और बाबर आजम। अच्छा आप किस तरह का मैच पसंद करते हैं, मतलब कौन सा स्पोर्ट से ताल्लुक आपको लगाया हुआ है? हार्ड मैच खेलते हैं या सॉफ्ट मैच? सॉफ्ट हिटिंग बॉल से खेलते हैं या टेप बॉल से खेलते हैं? हार्ड बॉल, हार्ड बॉल, हार्ड बॉल होती, टेप बॉल है हार्ड कर देते हैं आप उसे। हाँ नहीं क्या आप बॉलर हैं? हाँ स्विंग करते हैं, बैट्समैन है। अच्छा अच्छा बैटिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं। और वो वाला भी नहीं कि बस आए छक्के चौके मारे चले, नहीं 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 नहीं, स्लो स्लो खुद आके बोला कि भाई मारो तो फिर सही है, मतलब पिच पे खड़े रहना आपको अच्छा लगता है। अच्छा ये बॉलिंग, और ये बॉलिंग, और ये बॉलिंग सही नहीं करवाता, ये थूक ज्यादा लगा देता, कहता बॉल वो कर देता। नहीं अब तो थूक लगाना मना है ना, जब से कोरोना आया। अच्छा अब तो बॉल पे आप थूक नहीं लगा सकते। हाँ भजन, ये ऑयल कहाँ से निकाल के लगा रहे हैं उस टाइम? क्या सरसों का तेल रखा हुआ है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, आप इस बात को मानते हैं कि थूक लगाकर डाली जाने वाली चीजों में सुई धागा आज भी दूसरे नंबर पर है? क्या डिसेंट है भाई, पहला क्या है? पहला क्या है? पहले नंबर पर भी यही है, यही है। मुझे पता था जो मैं सोच के बैठा हूँ आप बोल कितना डिसेंट था। नहीं मेरा डिसेंट सवाल है ना, आप बात करो थूक लगाने वाली, मैं सुई धागा की बात कर रहा हूँ, मैं आप कहाँ बात ले जा रहा। अच्छा डुक्स भाई मुझे एक बात बताइए, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, आप इस बात को मानते हैं कि फेसबुक की लड़की और वॉशरूम की चप्पल कभी किसी एक की नहीं होती? कोई भी पेन के अंदर चला जाता है, आईडी किसी का मैसेज आ रहा है सना के नाम से, मिलने जाओ तो सनाउल्ला निकल रहा है अंदर से। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बहुत से लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि मुझे तो सनाउल्ला ही चाहिए था। और मैंने कुछ लड़कों को देखा, जिन लड़कों को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है ना, फिर वो यही कह रहे होते हैं मैं कुछ नहीं रखा इन कामों में यार। ये क्या चक्कर है, ऐसे लड़के है? ऐसा होता है वैसे, ऐसा होता है ना, पता है क्या उसका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। हुई हुई लड़के का, मैं अपना नहीं बता रहा का बता रहा हूँ कहीं मुझ पर आ जाए। आप देखो यार ये, आप देखो लड़के टेंशन में, एक लड़के ने तो बाकायदा शिकवा क्या है, वो लड़का लड़के ने शिकवा क्या, लड़कियों कब तक लड़कों के भरोसे रहोगी, कभी खुद भी लाइन मार लिया करो। और लड़कों की शिकवे क्या, लड़कों की टेंशन क्या है, क्या टेंशन है लड़का के, लड़कों की टेंशन, लड़कों की शिकवे, लड़कों की परेशानी क्या? एक लड़का करा अम्मी कहती है इंसान बन जाओ, टीचर कहती है मुर्गा बन जाओ, लड़की कहती है भाई बन जाओ, दूल्हा नहीं बन रहा। अच्छा एक बात, ये आप देखो सारी सजाएं मुर्गा बना दी, सारी सजाएं लड़कों के नसीब में क्यों लिखी जाती है, मुर्गा बनना, बकरा बनना, दूल्हा बनना, हाँ ये क्या? अच्छा डुक्स भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा दिन बाहर घूम कर आ गए, ठीक है, घर आए तो पता चला आपकी जिप खुली हुई थी और आप बोलो यार जब भी बोलो तेरी घंटी हुई आज बाहर, ऐसा कभी हुआ है? ये होता है भाई। अच्छा कोई मेहमान घर पे आए ना, आप सोफे पे यूं बैठ के बातें कर रहे हो आराम से, और भाई कैसे हो, अच्छा मेहमान चला गया अचानक, अब आपने यूं बोला भाई जिप खुली हुई थी, और मेहमान ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो चाहता था, कि मैं नहीं बताऊं। मेहमान एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। और मेहमान की नजरों में आप हो सकता है गिर भी जाए। बहुत अच्छे भाई। लेकिन आपने जिप खुली बात की ना, वो तो अगर हब्स है बाहर, हवा नहीं चल रही है तो नहीं पता चलता, घूम के वापस आ जाएंगे, लेकिन हवा चल रही तो फौरन पता चल जाएगा, फौरन पता लग जाएगा। और ये फौरन पता नहीं चल रहा तो फिर इलाज करवाना चाहिए, क्यों नहीं पता चल रहा। अच्छा ये बताएं कि, अच्छा ये बताएं कि शोहरत के बाद कभी खुजाने में मसला हुआ है? खुजा मतलब, अबे भाई वो आप मशहूर हो जाते ना, सब आपको ही देख रहे हैं, अब बंदे की खुजली हो रही है यार, बड़ा बड़ा गहरा सवाल है ये, वाकई गहरा सवाल है भाई। बंदा यहाँ खुजा रहा है, यहाँ खुजा रहा है, कहीं भी कहीं वो भी तो सही है, लेकिन कोई ऐसी जगह पे जहाँ हाथ ना जा रहा हो और आ रही हो, अब खुजली हो रही है, आप लोग आपको ही देख रहे हैं, और खुजली उस वक्त जरूर आती है जब आपके हाथ सने हुए हो किसी चीज में, ये आपका आटा गूंद रहे हो, बेसन में हाथ हो, ऑयल में हाथ हो, उस वक्त खुजली जरूर आती है ना। अच्छा डुक्स भाई एक बात बताएं, आपने ये थ्रेड पे अकाउंट बना लिया है ना, क्या जंग चल रही है ये एलोन मस्क की और उसकी, क्या मार्क ज़करबर्ग भाई की अपने? यार बस ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हाँ के बाद उसको अपनी एप्लीकेशन को जो है फेमस करना है, है लोगों से डाउनलोड करवाना है, तो उसने एक फड्डे का नाम दे दिया, फड्डे का नाम दे दिया, और चलता ही इसी पर है ना, चलता ही इसी पर है। अब आप ये देखें कि वो इतना अमीर आदमी है, टेस्ला कंपनी उसकी और स्पेस एक्स का मालिक,
वो मतलब परेशान घूम रहा है यार, अगर मेरे पास इतना पैसा है यकीन कर मैं तो सुकून में आ जाऊं बिल्कुल, ऐसा होता है? नहीं है। पैसा जितना है उतना कम है, मेरा ख्याल है बेचैनी बढ़ जाती है इंसान की। वाह वाह वाह, जितना पैसा आता रहेगा आपकी बेचैनी बढ़ती रहेगी, ये इंसान की फितरत है। और चाहिए होता है, ये जो और है ना ये मरवाता है ना यार। देखो जब मेरी 20,000 तनख्वाह थी, मैं कहता था यार 25,000 हो जाए बहुत है, और है ना इंसान की। और फिर मैंने बोला यार 50,000 हो जाए बहुत है, हो गई। अब फिर वही मौत पड़ ली है। तो किसी ने क्या खूब कहा है भाई, इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भरता है। हाय हाय यार, आप देखो यार, हम पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है। वाह वाह, कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक है? और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक। और जाना कहाँ है मंडी? ये क्या चक्कर है यार, जहन में ये है हमारे जाना है, पैसे कहाँ से लाएं? हाँ हमारे देखो ये सिचुएशन पता है कि आप एक सीरियस में मेरे जो बात दिल में है, आप इस बात को मानते हैं कि तेल और सेल लग जाए तो कोई नहीं रुकता? हाँ मतलब गाड़ी में तेल डल जाए तो वो तेज जाती है, सेल लग जाए तो लोग जाते हैं कि लूट लो। हाँ, लूट। आप जो समझ रहे हो वो भी ठीक है, क्या आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ नहीं रहा। मतलब तेल लगाते हैं बालों में? मतलब नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप इतना कमा रहे हैं यूट्यूब से तो अभी तक सेल से कपड़े लेते हैं? हाँ, तेल से। क्या वाह 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 वाह, ये बताएं ये बताएं, आपके ड्रेसिंग जो है ना बड़ी अच्छी आर्टिस्टिक होती है, स्टाइलिश है, स्टाइलिश है, स्टाइलिश है। और ये आपका बिल्कुल कैप, कैप बड़ा जबरदस्त है, ये जो आपका जो कैप बड़ा जबरदस्त है, ये 6 ओवर का मैच होता है ओपनर जो जाता है ना वो ये वाला कैप लगाता है, बहुत जबरदस्त। अच्छा डूड्स भाई, आप इस बात को मानते हैं, बड़ा डिसेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादातर अमीर लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को हर सांस लेती हुई लड़की? चाहिए भाई, अभी लड़कों का ये हाल चल रहा है कि बस बस इसकी आवाज भी आ जाए ना पता चल जाए ये लड़की। अरे भाई, अरे भाई कुछ लड़के इतने ठरकी होते हैं दीवार सूंघ के बता देते कि उस पार कितनी लड़कियां हैं दीवार के। मेरा ख्याल ये भी बता देते होंगे कौन सी नहाई हुई है कौन सी नहीं है। तो कहते हैं ना कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, पैसा है, पैसा खुशी खरीद सकता है, और पैसा है तो आप बड़ी अच्छी मोहब्बत कर सकते हो। अभी इस कमरे से आप एसी हटा दो और आपके साथ एक लड़की बिठा दो, आप दोनों में से किसी एक के साथ, सही है? ठीक है। फिर अगर गर्मी होगी तो आप मोहब्बत नहीं करोगे, आप उसको भगाओगे हेड पे, दूरों गर्मी हो रही है, एसी लगा हुआ होगा ना। वाह 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 वाह, तो आप उसको पास बुला लोगे। फिर वो कह रही कि आज एसी लगा दिया आपने, अब एसी की तैसी करो। इसका मतलब पता क्या है, और एसी बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, बंदा ठंडा ही ना हो जाए। इसका मतलब पता क्या है, ये शक्कर के होटलों में भी गया और 5 स्टार में भी। सारे तुम्हें मतलब एक्सपीरियंस है, मुझे अभी होटल पे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पकड़ लेते हैं भाई। अच्छा ये बस, एक इंसान की पहली मोहब्बत जो होती है वो स्कूल की टीचर होती है, और आखिरी मोहब्बत जो होती है वो हॉस्पिटल की नर्स। वाह वाह वाह, इस बात से एग्री करते हैं आप? बिल्कुल है, ऐसा है। नहीं स्कूल में थी लेकिन वो प्रिंसिपल थी, टीचर नहीं थी। प्रिंसिपल क्या बेटा, प्रिंसिपल से मोहब्बत करनी, क्या फीस माफ करवानी थी? दरअसल थी जवान। अच्छा प्राइवेट स्कूल में होंगे आप? हाँ, मैं समझ गया कौन से स्कूल में आप। मैं हाँ मैं समझ गया, मेरे घर के पास ही है ना वो स्कूल। हाँ यार, एक बात आप लोग मानते हैं कि पहले के जमाने में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो बड़े बड़े लड़के होते थे मैट्रिक में, 8 में 9 में मैट्रिक में, और आजकल के छोटे छोटे बच्चे मैट्रिक नहीं। उसकी वजह ये थी कि वो क्लास पसंद आ जाती थी ना, मतलब फेल हो जाते थे, 4 साल 5 साल फेल हो गए तो एक ही क्लास में। वो बच्चे बड़े हो जाते थे, दाढ़ियां निकल आती थी, टीचर अंदर आती थी ना तो उनसे पर्दा करती थी। भाई हमारे क्लास में इतने बड़े बड़े लड़के थे मैट्रिक के, स्कूल वालों ने बकायदा मीटिंग की कि ये सब अंडरवियर पहन के आएंगे। आपके स्कूल में शलवार कमीज होता था? नहीं होती, पैंट थी लेकिन वो कपड़ा जींस। अच्छा उसकी फिलाई कम होती। हाँ हल्की हल्की सी यार, ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, आप उसको पहने, वो पहनने की चीज है। हाँ अब वो इतना बड़ा बड़ा बच्चा स्कूल में आ गया है, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, वो बहुत बड़ा है, अब टीचर उसको मान नहीं, एहतरामन नहीं मान रही, वो मेरी नहीं एहतरामन नहीं, छाड़ेबाजी का केस ना हो जाए, मेरी उम्र का हार्ट टच हो रहा है, समझे ना, हमारी तो कल्चर नहीं है ना भाई, और बंदा फील कर रहा है। अच्छा सिचुएशन क्या, जब हम छोटे थे ना तो बड़ों की शादियां हुआ करती थी। हाँ। अब जब हम बड़े हो गए तो छोटों की शादियां हुआ करती है। और हम बड़े उन पे केस चलता रहता है कि छोटों की शादी कर दी, छोटों की शादी कर दी है उन पे। हाँ, ये चलता रहता है। अच्छा मोहब्बत की आपने कितनी देर तक, मोहब्बत हो गई होगी? नहीं मतलब रिलेशन निभाया यार, पहली बात है मोहब्बत हुई नहीं, हुई नहीं आपको, नहीं हुई सामने वाली को, नहीं हुई सामने वाले को, नहीं मेरे में धोखा हुआ, मेरे भाई को बताना नहीं चाहिए, लग रहा है इनकी आंखें बता रही है, मैं एक्सप्रेशन की खातों से मेरा घर चलता है। धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समझ हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते, दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। ऐसा तो कोई धोखा नहीं हुआ कि आप कूद गए वो नहीं कूदी, या दोनों कूदे तो फिर वो बच गई आप निकल गए? मतलब क्या चीज देखते लड़की में, क्या अट्रैक्ट करता है आपको? यार बस वो दिमाग में वो बता नहीं सकता, लेकिन आंखें बोलूंगा।
जो दिमाग में है वो बता नहीं सकता। उसका नाम आपने आंखें रखा हुआ, आंखें देखते हैं आप कह सकते हैं कि उसकी आंखों में कितनी हया है। अच्छा, मैंने हमेशा लड़कों के मुंह से सुना मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कभी लड़कियों के मुंह से नहीं सुना मैं बड़ी औरत बनूंगी। मैं ये बोला था, ये बात सच है कि आप इस बात को मानते हैं, खवातीन की बात चल रही है, हमारे सब रिस्पेक्टेबल हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि अच्छी औरतें जन्नत में जाती हैं और बुरी औरतें कहीं भी चली जाती हैं? कहाँ जाती हैं बुरी औरतें? पता लगा कभी आपको, कभी अच्छी आ जाती है, मैं परसों यहाँ आऊंगा, कभी आप वहां पहुंचे करो, तुम यहाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कभी किसी लड़की ने, कहने का मतलब है आपसे फ्लर्ट किया कि उसने आपके YouTube के व्यूज देखे और उसने बोला उस्ताद ये 5 लाख से ऊपर की कहानी है, इसके साथ फ्लर्ट करो, ऐसा हुआ? लेकिन वो ही बात है ना कि व्यूज वगैरह देख के मोहब्बत नहीं होती। वाह 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 वाह, हाय हाय, वो कभी भी उड़कर आ जाएगी यार। बहुत अच्छी बात की वो यार, वो कहते हैं ना कि पसंदीदा शख्स की लापरवाही आपको ज़हनी मरीज बना देती है। यार लोगों में आप देखो ना, अगर मोहब्बत की जो मोहब्बत की अंग उमंग झांकती है ना, आदमी का दिमाग चलने लगता है। खूबसूरत हुसन आपके साथ बैठा हो तो आपके अंदर आमदें आती है, चलने लगता है। तुम बुलाओगे नहीं किसी फीमेल को, मुझे पता है। ये देखे, मैं ये कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है काश लोग माहिर एहसास होते तो माहिर नफ्सियात की जरूरत नहीं पड़ती। वाह वाह, एहसास मर गया, एहसास मर गया दोस्त। मैं आपको किसी का एहसास नहीं है और किसी को आपका भी एहसास नहीं है, ऐसा होता नहीं, बस फैमिली फैमिली फैमिली। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है यार। ये मैं आपको बताऊं, आप भी तो फैमिली बनेगी। नहीं नहीं, वो बात की बात, वो बात की बात है, लेकिन हसन मैं आपको बताऊँ, ये डूक्स अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है। क्या बात, और ये फैमिली मैन है। अच्छी बात, ऐसा होता है ना कि हम यूट्यूबर्स का जब हमारी पेमेंट आती है ना, तो आप यकीन करें हम एक फैमिली का हिस्सा अलग करते हैं। बिल्कुल, वाह 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 वाह, फैमिली का हिस्सा हम लोग अलग करते हैं। हम लोग मतलब हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं रहते, टूर वर्ड जो भी होते हैं ये सब एक काफी महीनों की मेहनत होती है। वाह वाह, तो हम सब पहले ये वाला बजट साइड पे करते हैं। बिल्कुल, खास तौर पे आप जो भाई डेली व्लॉगिंग जो आपका काम है घूमना फिरना। नहीं 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 भाई, डेली व्लॉगिंग मैं नहीं करता, रोस्टिंग काम है ना मेरा। डेली व्लॉगर कोई बुरी चीज तो नहीं है? आप ना बुरी चीज नहीं है, लेकिन मेरा काम नहीं है भाई डेली व्लॉगिंग, मेरा काम है रोस्टिंग। आपका काम रोस्टिंग है? अच्छा मुझे बात बताएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रोस्टिंग करते हैं, चलो यार देखिए हम भी अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, सबसे पहले आप मुझे रोस्ट करें 2 लाइनों में कर दें। नहीं, आपके दिल में बातें हैं, दिल में है, इसके दिल में है, बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा। एक एक लाइन बोल दे, इन तीनों के बारे में हम जो मुंह में है बोल दो, गाली भी दे दो, कोई इशू नहीं, इशू नहीं है। अहमद भी बड़े फेमस हो गए आपको पता है, आप थैंक यू तय है, पी के फिल्म में आए थे रेडियो के पीछे। अच्छा अपनी पसंदीदा चीज बताइए। आप भी पीके में थे गाड़ी के अंदर? मैं ही हिला रहा था, ऊपर आसमान नीचे, नहीं मैं ही हिला रहा था। आप तो सेल वाली गाड़ी नहीं हिला सकते, सेहत तो देख यार, सेहत पे नहीं जाइएगा, सेहत पे नहीं जाइएगा। अच्छा अच्छा, जज्बे पे जाए, जज्बे पे जाए। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, कांग्रेचुलेशंस कि आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही आपने अहमद खान नाम क्यों रखा है चैनल का? हमारा जो ये शो है ना, मैं बताऊँ आपको, ये आपके मुंह की बात नहीं, हमारा जो ये शो ये चाइना में बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। क्यों? अच्छा, असल में छोटी स्क्रीन पर उनको नजर नहीं आता ना, उनकी आंखें छोटी होती है। जो भी मिलता है ना शो के बारे में तो मजाक है, जो भी मिलता है यकीन करो मैं दिल से कर रहा हूँ, वो ये शो के बारे में एक ही बात कहता है, यार ये शो की लाइटिंग बहुत अच्छी है और कैमरामैन बहुत अच्छा, कैमरामैन बहुत अच्छा। हमें तो सब ये कहते यार आपने वो क्या सुनाया था, वो क्या था, हम तो क्लियर करते करते ही मर गए यार, हम लोग बेइज्जत होने के लिए पैदा है ना। अबे अगर कौन सी कॉमेडी है ना, अगर तुम इतना क्लियर सियासतदानों से करवाते मुल्क आज यहाँ होता, मुल्क साफ हो जाता। देखो मैं कहता हूँ मैच्योरिटी वो नहीं है जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैच्योरिटी वो है जब आप छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करते हो। वाह वाह। अच्छा गाली की बात की, आपको सबसे ज्यादा गाली देने में किसको मजा आता है? सबसे ज्यादा गाली देना, आप क्योंकि आपका देखा मैंने, आप थोड़ा गालियां भी देते हो, तो वो अपने टिकटॉकर्स यार, टिकटॉकर्स मेरा शदीद नफरत है। मेहनत तो कर रहे हैं यार। नहीं कौन से वाले यार, मेहनत तो गधा भी कर रहा है। अबे भाई ये यार आप फिर गधा बोल रहे हैं टिकटॉक यार। अभी इससे और बुरी चीज आई थी, वो दिमाग में जबान पे नहीं ला सकता आपके शो की वजह से। क्या सीरियसली, मैं आपको, आपने टिकटॉकर को गधा बोला होगा, ठीक है मैं आपको बताऊं भैया, टिकटॉकर्स ना करोड़ों रुपए फेंट रहे टिकटॉक लाइव से। चलो यार ये वो देखो, पैसे फेंटना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो कह रहा है कॉन्टेंट नहीं है ना। एक मिनट, पैसा और भी लोग फेंट रहे हैं। हाँ। इसका नाम मियां खलीफा है। कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये टिकटॉकर्स एलजीबीटी को सपोर्ट करेंगे। एलजीबीटी मींस
अच्छा, लेस्बियन गे, ये सारी चीजें। मैं हसन, मैं आपकी यहाँ पे इस बात की मैं आपको वजाहत करना चाहूंगा आपसे इस बात पे। यार देखें, टिकटॉकर अब टिकटॉकर रहे नहीं, टिकटॉकर पे जो लोग थे ना, अब टिकटॉकर पे सिर्फ वही लोग नहीं रहे। अब मैं आपको बताऊं, जैद अली वो टिकटॉक लाइव, काफी सारे लोग आ चुके हैं, शाम इदरीस टिकटॉक लाइव पे मैच खेल रहे हैं, शाबिर जाफरी टिकटॉक लाइव पे मैच खेल रहे हैं, तो वो भी तो क्या चीज है वो जो टिकटॉक बनाते हैं, वो उछल के कूद के आते हैं, बड़ी बड़ी शलवारें पहनते हैं, रंगीन नाड़े निकल रहे होते हैं, 14 गज की शलवारें पहनते हैं, पता नहीं क्या सीन है, 14 गज की 14 गज की शलवार। लेकिन ये बात आप मेरी लिख लें कि ये सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि इनके कंटेंट, अभी ये कंटेंट देखने के लिए ना बंदे को जोक समझना पड़ेगा। हाँ। कोई 18 साल का होगा वो ही इस जोक को समझ सकेगा, 18 के बाद वाले ज्यादातर। लेकिन टिकटॉक वीडियो देखने के लिए आपको कुछ समझना नहीं पड़ेगा, टिकटॉक आपको खुद कॉन्टेंट दिखाएगा, आपको सिर्फ एक टैप करना पड़ेगा। आपका शो देखने के लिए लिखना पड़ेगा अहमद खान बरकत उज़्मी, आप लोगों को देखने के लिए ये सर्च करना पड़ेगा, टिकटॉक में आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, खुद दिखाएगा, खुद दिखाएगा, बस एक फिंगर टैप। फिर कुछ खवातीन होती है ना, वो कहती है यार यहाँ की सोच गलत है, लोग बुरे बुरे कॉमेंट्स करते हैं, लेकिन वो फिर वीडियो कैसी बनाती है? अब वो गांव देहात की खातून है, वो उन कैमरा नीचे से शुरू हो रहा है, बाद में उनके मुंह पे आ रहा है, और फिर कह रही है कि वो गलत बात भी ना करो, कैमरा नीचे से शुरू कर रही है और कह रही है मेरा मुंह हिट नहीं हो रहा, मेरा मुंह हिट है, मुंह नजर ही नहीं आया तो कैसे हिट होगा, जो मुंह तुम दिखा रही हो वो मुंह हर एक का जैसा होता है, उस पे सबका मुंह खुलता है, उस पे सबका मुंह खुलता है, मैं फंस गया क्या ये कितनी यार, मैं नहीं, ये सही बात, ये सीरियस बात है, ये तो सही बात। उसके बाद आप कह रही है पाकिस्तानियों की सोच अच्छी नहीं है, ये सही बात, सही बात नहीं, ये बुरा भला कहते हैं, इनकी नियत साफ नहीं है, आप नियत खराब कर रही है भाई। देखे मैं तो पता बोल रहे वो बुरा दिखा रही है, कहने का मकसद बोलने का अलग चीज है, मैं पता है दिखाने का, हां मैं पता है कब मानूंगा इस बात को, जब ये हमारी वेबसाइट है जो प्रॉक्सी लगा के लोग देखते हैं, जब उसके नीचे गंदे कमेंट डालना शुरू हो जाएगी उसके नीचे तो कमेंट ही नहीं होगा, यानी आप इस शो को स्पेस पे। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, मैंने नोटिस किए हैं उन वीडियोस पे कमेंट्स नहीं होते, सिर्फ लाइक होते हैं और व्यूज होते हैं। कमेंट का काम ही नहीं है ना, देखो कमेंट करेगा कैसे बंदा, इतना आप खुल के कमेंट वाला हाथ चीजों की वो करते हो, अपना हिस्सा डालते हो उस बुराई को रोकने में, तो वहां भी तो कमेंट कर दो यार। अच्छा इस बात पे जब आप रोस्ट करते हो, इतना किसी से झगड़ा हुआ आपका, किसी से मार पिटाई हुई, किसी ने आपको धमकी दी, कोई पर्सनल हुआ आपसे, आप मास्क पहन के निकलते हो बाहर? यार फड्डे तो हुटिंग वगैरह चलती रहती है, करते हैं लोग, बहुत करते हैं। अब वो अक्सर आते हैं कि यार तुमने वो गाली दी थी, वो गाली दे दो, दे दो। मैं बताऊं, हम लोग PSL देखने गए हुए थे, एक छोटा सा बच्चा आया आगे, कहने लगा आप वो ये ना अब्बा बड़बत हो गई, छोटा सा बच्चा। अब पीछे उसकी वालदा खड़ी है, मैं बोल रहा हूँ बेटा नहीं मैं वो नहीं हूँ, उसका भाई हूँ, आप जाओ। तो उसकी वालदा ने क्या कहा, नहीं नहीं बेटा आप वही हो, और ये सही कह रहा है। अगर गाली देने के पैसे मिलते ना, हम तीनों करोड़पति होते और ये अरबपति। नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन यकीन करें ये आवाम जो भी कमेंट करती है, कुछ भी करती है, लेकिन ये आवाम हमारी जान है। इसमें क्या बात, क्या बात है यार, इनकी वजह से हम हैं यार, अगर हमें अगर बोल के रोकती है, क्या हमसे मोहब्बत करती है, मोहब्बत करती है इनकी, मोहब्बत कह रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कमेंट आता ही नहीं है, कौन है उनको कमेंट आते ही नहीं है, हमें हम ये शुक्र अदा कर रहे हैं, हमें कमेंट तो आ रहे हैं कम से कम, है ना, अच्छे बुरे की लिस्ट में आना भी तो आना भी तो है। कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे ना बुरे वो गुमनाम है, अल्लाह उन सबको कामयाब करे यार, हमारी दुआ है। अच्छा यार ये डॉग्स भाई एक बात बताना यार, आपके मुंह में इतना फ्लो है बोलने का, मतलब टिका गए, ले लेते हैं आप किसी की भी, यार ये जुमले कैसे आते हैं, ये ख्यालात कैसे आते हैं, क्या करना पड़ता है इन ख्यालात को दिमाग में लाने के लिए? अबे यार बस पता नहीं, सो के उठो, रातों में जागो, अजीब ही रूटीन होती है ना, तो अलग ही दिमाग आपका जो है चांद पे पहुंचा हुआ था। अभी बड़ा मौजज़ाना आपको देख के मुझे वो याद आया कि अब देखें ये दुनिया है हमारी, सही है ना, चारों तरफ पानी है, चार एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे खुश्की का हिस्सा है, जहाँ पे आप और हमारे जैसे खुश्क लोग रहते हैं, इतना ही छोटा है खुश्की का, सही है, बाकी जो पानी का हिस्सा है वो गैलेक्सी में क्यों नहीं गिरता है? बल अब लोग पता है क्या कमेंट करेंगे, ग्रेविटी। वाह वाह वाह, लेकिन यार ये तो बस अल्लाह की कुदरत है, चले लेकिन आपकी नहीं, लेकिन अल्लाह की वो है ना कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला, बिल्कुल बिल्कुल, वो जहाँ दिल चाहे जब दिल चाहे वो किसी चीज को भी रोक सकता है, किसी चीज को भी चला सकता है। वाह वाह, और इस सुभान अल्लाह से बड़ी मिसाल हमारे महकमा मौसमियात वाले हैं, जब बता देंगे बारिश होगी, कड़क धूप निकली होती है, चटियल ये शुरू से हम देखते हैं, क्या है ये शुरू से, कल बारिश होगी या बंदा तैयार होगा, अच्छा मौसलाधार होगी, अब जब तक आपने कपड़े बड़े बदले, फुल आपने बाल बाल बनाए, अब आप निकले बाहर बारिश बंद, मौसला क्या, यहाँ तो धार भी नहीं हो रही।
दार भी नहीं। अच्छा अभी आप इस बात को मानते हैं, एक बड़ा सीरियस सवाल जो है मेरे दिमाग में है, मैं ये पूछना चाह रहा था, आप इस बात को मानते हैं कि जिगर वाले लड़के और फिगर वाली लड़की कभी सिंगल नहीं रहते? मतलब एक एक लड़की के पास पैसा हो, एक फिगर हो, हाँ उसके भी अमाउंट की फिगर, अमाउंट फिगर, हाँ अमाउंट की एक फिगर हो उसके पास, तो लड़के उसके पास भी आएंगे? हाँ। अगर उसके ये पास नहीं कर सके, ये मैंने कर दिया, वाह वाह वाह, उसकी फिगर होगी तो अमाउंट की फिगर बढ़ जाएगी, ये हाँ, 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 ये आप फिर वहीं ले आए मुझे। मैं इतनी मुश्किल से कीचड़ से निकल कर आया हूँ, आप फिर तुम्हारा नहीं, 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 देखो, मैं देखो, मैंने कुछ लड़के लड़के ना बुरा मान जाते हैं, लड़कियां फ्लर्ट करती हैं, लड़के बुरा नहीं मानते, कुछ लड़कों से लड़के वो तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करो वेलकम, लड़के जब फ्लर्ट करते हैं तो बुरा मान जाते हैं। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के थ्रू कि लड़कियों अगर आपसे कोई फ्लर्ट करता है तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, यही तो वक्त है, बाद में तो आपकी शादी हो जानी है। हां बिल्कुल, मजाक नहीं, उसके बाद फिर आप इंतजार करेंगे कब ऑफिस जाएगा। हां हां बहुत अच्छे भाई, डॉग्स भाई, डॉग्स भाई, पर्सनल सवाल, वेरी पर्सनल क्वेश्चन, यूट्यूबर बनने से पहले आपका जरिया आमदनी क्या थी? यार लास्ट टाइम भी जब आपके पास आया था तो बताया था कि भाई के साथ होता था, भाई के साथ मोबाइल मार्केट में, भाई वही टाइम जाया करता, वो पैसे कमाता था। कोई जॉब नहीं की? मतलब जॉब की है, कॉल सेंटर्स में की है, कॉल सेंटर में की है। अच्छा भाई के साथ मोबाइल मार्केट में मेहनत की मेरे भाई ने यार, वही कॉल सेंटर। हेलो सर, दिस इज जॉर्डन फ्रॉम ऑर्थोपेडिक मेडिकल, कैन यू हेल्प मी फाइंड सम टाइम्स यू फील इन योर अंग्रेज, हां और ये करें ये करें वो करें, आखिर में बताती हमारे नुमाइंदे से बात करनी तो जीरो दबाए, और अगर किसी से बात नहीं करनी है तो दोनों दबाए। नहीं ये क्या बात हुई यार ये। अच्छा डुक्स भाई, ऐसा होता है कि आपको क्या कहते हैं पैसे भी देते हैं लोग क्या कहते हैं रोस्ट करने के? क्योंकि अब देखो मेरे व्यूज नहीं आ रहे, अब मैं बोलूंगा यार मुझे कुछ लोग रोस्ट करेंगे, बड़े बड़े रोस्टर, तो मेरे व्यूज आएंगे। ये चीज चल रही है मार्केट में, होता है क्योंकि मुझे भी ऑफर हुई है रोस्ट करने की कि भाई आप मुझे रोस्ट करो ताकि मेरे व्यूज आए, ताकि जो डुक्स की ऑडियंस है हसन की वो भी जान ले उसको। तो आप बताएं क्या चल रहा है आपका? नहीं ऑफर्स आती हैं लेकिन हा? नहीं करते, नहीं करते। अरे पैसे कमाओ यार, क्या है यार, करो यार, पैसे कमाने के तो और भी तरीके हैं, लेकिन इस तरीके तो और तरीके से कमाओ। कंटेंट मेरे लिए एक बहुत अलग चीज है, बहुत अलग तरीके से सोच के बनाता हूँ। लोग जल्दी जल्दी डालते हैं ना कि बस डालने के बाद, और भी कह रहे थे ऑफर के जिसके पास कंटेंट नहीं होता वो पॉडकास्ट करता है। मैं ये याद दिला दिया, वो भूला हुआ था यार, उसने बोला मुझे नहीं, मैं अभी कह रहा था जिस पॉडकास्ट करता है, होस्ट कर दो, मस्करों को बुला के और लतीफे सुना रहे होते हैं ना, रख देता है मेरी बात। मैं आपको मुझे सब पता है, इसे पीठ पीछे बातें की हैं। मैं आपको बात बोलूं, अब ये कह रहा है कि जिसके पास कंटेंट नहीं है पॉडकास्ट करने लगता है। हाँ। अब इसको ये नहीं पता कि पॉडकास्ट करने के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। बीस लाख रुपए खर्च करने के लिए कैमरों के लिए ना जिगरा चाहिए, और उसके बाद व्यूज आए ना आए यार, ये भी तो एक रिस्क है ना यार। अभी देखो ना कैमरों की कीमत कहाँ जा रही है यार। मैं आपको बात बोलूँ, देखिए पॉडकास्ट तो एक अलग चीज है, इसमें शायद उतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि होता पता क्या है, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर के तौर पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरा होता है ऐसा कि मैं 50 मिनट रिकॉर्ड करता हूँ, 50 मिनट लगा देता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों की जबान में इतनी चाशनी है, इतना फ्लो है, कि फंबल्स नहीं होते बिल्कुल भी, और वो एज इट इज रिकॉर्ड होता है, कोई रीटेक नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, तो ये लग जाता है। अब रोस्टर के साथ क्या होता है, क्या होता है, व्लॉगर्स के साथ क्या होता है, क्या होता है, इनको सर एक एक सेकंड पे काम करना होता है अपनी वीडियोस पे, ऐसा ही है, ये सीन क्रिएट करते हैं, जिनको रोस्ट करना है उस पर रिसर्च करते हैं, कंटेंट लिखना पड़ता है, घर में छुप के रहते हैं एक महीना चादर रोड़ के वो क्या क्या कर रहा है दिन भर, यही समझे। अच्छा तो उसको चाटना पड़ता है, उसकी गुद्दी काली भी है तो उसको चाटना पड़ेगा इस तरीके से कि उसको प्रॉपर हर तरीके से निकालना पड़ेगा, हर एक एक चीज उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। और कुछ ऐसे होते हैं टिकटॉकर्स कि आप बस उनकी दो तीन वीडियोस देखो सारा कंटेंट मिल जाएगा, मतलब आपके भी फेवरेट हैं वो, है ना। मतलब इतनी बुराई उनके घर वालों ने की होती, जितनी बुराई ये जमा करता है, घर वाले क्यों करेंगे, पैसे दे रहा घर में तो यार, है ना, पैसे दे नहीं, वो जिनको ये रोस्ट करता है, हाँ, और रोस्ट करता है ना, भजन हमें भी रोस्ट करो क्योंकि आपकी ऑडियंस इंडिया में भी है, हाँ, लोग आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस हम माइंड नहीं करेंगे, तीनों माइंड नहीं करेंगे, हमारी कौन सी इज्जत जो खराब हो, करो करो करो, हम जब टेक करते हैं हमारी भी करो यार, आप तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ, फिर रिएक्शन देंगे आप लोग, हां हम रिएक्शन देंगे, आप हमें रोस्ट करो, और ये यकीनन आपके और हमारे दोनों के पर्चे खत्म हो गए, तो उस महफिल को जो है खत्म करते हैं। हाँ, हम जो सवाल लिखकर लाए थे आपसे पूछने के लिए सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, अब जवाब चाहिए आपके पास। अगली महफिल की तैयारी करते हैं, और जाते जाते डुक्स भाई उन लोगों को मैसेज दें जो शरीफ हैं और बिगड़ना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दे दें अपने इस कैमरे में, क्या बोलना चाहेंगे, कॉन्टेंट क्रिएटर को मैसेज दे दें यार, बस कॉन्टेंट बनाते रहो,
और बेसिक चीज़ों पे कंटेंट बनाओ, प्रॉब्लम्स पे कंटेंट बनाओ, जो हो रहा है, जो जी रहे हो, जो कर रहे हो वो बनाओ, जो नहीं हो ना, यानी कि फेक बनने की कोशिश मत करो। पैसा नहीं है तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, तरसों लाजमी आएगा, लेकिन अच्छा कंटेंट बनाओ। वेरी गुड, बस लव यू, लव यू, बाकी सबको लव यू। देखो हमें इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि कल का है, खर्चा नहीं है, हमें फिक्र है परसों की। हाँ, और बरकत भाई जाते 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 कोई जल्दी जाए, कोई मैं मेरा डिसेंट मैं तो कल की भी फिक्र है यार, कल की भी। हाँ। कल लाइनअप, कल के तो आज मिल जाएंगे ना यार। अच्छा, नहीं कल के लाइनअप किया हुआ है ना। अच्छा, आएगा नहीं आएगा बंदा। अच्छा अच्छा, और मैं जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी वाहियात बात होगी, मेरा ही टेस्ट नहीं ना, मेरा पेस्ट है आपका और मेरा। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, हाँ अरे नहीं मतलब हम दोनों शरीफ हैं, शरीफ हैं, शराफत नजर आ रही है। मैसेज मैसेज मेरा मैसेज ये है कि मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा आदमी वही है, बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे हुए शख्स को छोटा महसूस ना होने दे। वाह वाह वाह, थैंक यू। वाह वाह, शुरू से छोटा समझ रहा हूँ अपने आप को, पता लगा।